हाँ, ये तो बिल्कुल ही हम इसे कह सकते हैं कि अपनी जुबान में टू लिटल एंड टू लेट, यानी कि बहुत अरसे से आप देख रहे थे कि हमारी मईशत दबाव का शिकार थी, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट होने की वजह से, यूटिलिटी बिल्स बहुत हाई होने की वजह से, कोरोना से पहले भी हम जिन मुश्किलात का शिकार थे, जहां हम अपनी मईशत के पहिए को रोके हुए थे, रियल एस्टेट बंद हो चुका था, कंस्ट्रक्शन जिसमें 50 लाख घर बनाने थे, FBR की टैक्स पॉलिसीज ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया, लोगों को डराया धमकाया गया कि हम आपके पीछे आ रहे हैं, ना तो टैक्स मुनासिब इकट्ठा हुआ, ना हुकूमती जो गैर तरक्याती अखराजात थे वो ख़त्म हुए। तो बेसिक तौर पर जो हमें अपने माशी ढांचे में और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे में बहुत ज़्यादा जो है इस्लाहात की ज़रूरत थी, वो हमने की नहीं। तो इस तरह के मैयर से ये होता है कि फिर आप वक्ती तौर पे इसको कह सकते हैं कि कॉस्मेटिक हैं, क्योंकि अब आपके पास तो आज तक ये मैकेनिज्म का पता नहीं चल सका कि बाहर से जो एड आई थी वो भी अर्थक्वेक के सारे फैक्ट्रीज को मिल गई ठीक, और आपका बड़ा स्कैंडल बना हुआ है और उसके बारे में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट भी आपने देखी होगी। तो एक तो हमारे यहाँ डिलीवरी सिस्टम पुअर है, और फिर हम अपने निज़ाम को जो बहुत हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देर कर दिया है, उन असलाहत को हम नाफिज नहीं करते हैं।